हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बैच बैंकिंग। गाइज, आज IBPS क्लर प्रीलिम्स 2023 का यहाँ पे डे टू के सभी एग्जाम्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे कि शिफ्ट थ्री की यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल क्या थी, यहाँ पे शिफ्ट थ्री में कौन से क्वेश्चन आए थे एंड यहाँ पे शिफ्ट थ्री में गुड अटेम्प्ट क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि शिफ्ट थ्री की यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे इजी लेवल की थी, न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पे इजी लेवल की थी, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे इजी लेवल की थी। तो गाइज, यहाँ पे ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ थर्ड शिफ्ट यहाँ पे इजी लेवल की थी। अब गाइज, यहाँ पे गुड अटेम्प्ट देखते हैं। तो यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी के गुड अटेम्प्ट क्या होने चाहिए यहाँ पे 28 से 30 तक। तो मैं तो बोलूंगा यहाँ पे 30 प्लस अगर आपकी गुड अटेम्प्ट होगे तो काफी अच्छी बात है। अब गाइस, यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी के गुड अटेम्प्ट क्या होने चाहिए यहाँ पे 24 से लेके यहाँ पे 26 तक। गाइस, यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत ही इजी लेवल की थी, तो यहाँ पे आपके अच्छे स्कोर हो सकते थे। अब गाइस, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो आपके गुड अटेम्प्ट यहाँ पे 23 टू यहाँ पे 25 होने चाहिए। बट गाइस, मेरे ख्याल से कि इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे एवरी शिफ्ट में इजी आया था, तो आपके यहाँ पे गुड अटेम्प्ट यहाँ पे 28 प्लस होने चाहिए। ठीक है, ऐसे गाइस यहाँ पे ओवरऑल आपके गुड अटेम्प्ट यहाँ पे 75 से लेके यहाँ पे 81 तक होने चाहिए। अब गाइस, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी में कौन से क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आई थी यहाँ पे 8 पर्संस वाली, ठीक है, फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन है, 5 मार्क्स के लिए आई थी। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आई थी यहाँ पे 5 मार्क्स के लिए। फ्लैट एंड फ्लोर बेस पजल आई थी यहाँ पे 5 मार्क्स के लिए। इनइक्वालिटी के 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ब्लड रिलेशन के यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए थे। नंबर सीरीज आई थी यहाँ पे 5 मार्क के लिए। कोडिंग डिकोडिंग आया था यहाँ पे 5 मार्क के लिए। यहाँ पे नंबर पेयर काउंटिंग आया था यहाँ पे 1 मार्क के लिए। यहाँ पे वर्ड पेयर काउंटिंग यहाँ पे 1 मार्क के लिए आया था एंड यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे 1 मार्क के लिए आया था। तो आपके यहाँ पे 35 क्वेश्चन यहाँ पे 35 मार्क के लिए आए थे, ठीक है। अब गाइस, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन आए थे, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें एवरी शिफ्ट में दिखे। अब यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आए थे। टेबुलर डीआई एक आई थी 5 मार्क के लिए। अब यहाँ पे अरिथमेटिक के यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आया था, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन आया था, टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन आया था, ट्रेन बोट एंड यहाँ पे स्ट्रीम पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन आए थे यहाँ पे 10 मार्क के लिए। तो ऐसे कैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आए थे 35 मार्क के लिए, जो कि यहाँ पे इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। अब गाइज, अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन की बात करेंगे, तो इंग्लिश सेक्शन में यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था यहाँ पे 10 मार्क के लिए। एक सिटी का यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, क्लोज टेस्ट आया था यहाँ पे 6 मार्क के लिए। यहाँ पे मिसस्पेल्ड वर्ड आए थे यहाँ पे 4 मार्क के लिए, ठीक है। अब गाइस, यहाँ पे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आए थे 5 मार्क के लिए। यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आए थे 4 मार्क के लिए एंड मैच द कॉलम आया था यहाँ पे 1 मार्क के लिए। ऐसे गाइस, यहाँ पे 30 क्वेश्चन आए थे 30 मार्क के लिए। तो गाइस, हमारे यहाँ पे 27 अगस्त को यहाँ पे शिफ्ट नंबर 3 सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुकी है। तो गाइस, आई होप कि आपने काफ़ी अच्छी तरह से आपका पेपर सॉल्व किया होगा। अगर जिसका भी कैंडिडेट अगर ये पेपर अच्छा नहीं गया होगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी भी यहाँ पे 20 to 25 डेज बाकी है यहाँ पे हमारे IBPS PO के पेपर के लिए, ठीक है। तो IBPS PO के पेपर के लिए आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर होना है एंड गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। अच्छी तरह से आपका रिजल्ट आएगा, भगवान जी से यही मनोकामना करता हूँ। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सियाराम, स्टे ट्यून विद अस। टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।